गाय हम सबकी माँ है, और गाय जिस घर में होती है, जिस आंगन में होती है, वो घर, वो आंगन, वो भगवान की कृपा से भरा होता है। वो घर घर नहीं, स्वर्ग और बैकुंठ होता है। इसी धरती पर गाय की सेवा कीजिए। मत भुलाइए अपनी प्राचीनता को, मत भुलाइए अपने संस्कार को। आज के आधुनिकता में आप पुराने संस्कारों को भूल रहे हैं, गाय को भूल मत जाइएगा। बोलिए गऊ माता की जय हो। गऊ माता की जय ही बोलेंगे कि रखेंगे? अब घर पे रखेंगे। जय तो तब होगी ना गाय की जब घर में होगी। जब घर में गाय है ही नहीं तो गाय की जय कहाँ है? जय जयकार तो तब होगी जब घर में होगी। अभी तो झूठे ही जय है। रखो सेवा मैया, घर में रखोगी गाय? नहीं रखोगी? क्यों, जगह नहीं है? कितने बेटे हैं आपके? दो। दो बेटों को रखने की जगह है? बस गाय के लिए जगह नहीं है। गाय हम सबका परिवार है, उसे परिवार के तो परिवार की तरह रखो कि यह हमारे परिवार का एक हिस्सा है, यह भी हमारा परिवार। गाय की एक परिक्रमा कोई कर ले तो चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य मिल जाता है। गाय को कोई चारा खिलाए तो उससे पितर तृप्त हो जाते हैं, भगवान तृप्त हो जाते हैं। अच्छा, गाय खाने के बाद क्या करती है? खाने के बाद वो बैठ के मुंह चलाती क्या करती रहती है? बोलो, जुगाली करती है, पगुराती रहती है, पागुर बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं, मुंह चलाती रहती है। जरा बताओ वो गाय खाने के बाद मुंह क्यों चलाती है? बैठी मुंह चलाती रहेगी, क्यों चलाती है? आप बताओ, मेरी मां सबसे बूढ़ी आप हो। मैया, ये भैया लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाओ बेटा। ओ लाला, ओ छोरा, बैठो बेटा, सब बैठाओ यहां, बहनों को, माताओं को। जरा भैया बताओ, गाय खाने के बाद मुंह क्यों चलाती है? आप बताओ, आगे बैठे। जुगाली करती है तो क्यों करती है जुगाली? क्यों पगुराती है? भोजन पचाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। क्या पचाने के लिए? भोजन। उत्तर गलत है। पर गलत ये सही है कि भोजन पचाने के लिए, पर थोड़ा और मिलाना पड़ेगा इसमें। क्या? गाय भोजन नहीं पचाती, बल्कि जो व्यक्ति चारा खिलाता है गाय को, भूसा खिलाता है गाय को, सेवा करता है जो गाय की, गाय उसके पापों को पचा करके भस्म कर देती है। गाय मुंह चलाती है ना तो खिलाने वाले के पाप चबा चबा के समाप्त कर देती है, पगुरा के, जुगाली करके। भोजन तो पचाती है, पर साथ में वो हमारे और आपके पापों को पचा देती है, पापों को समाप्त कर देती है। यदि आपका चारा खाके वो जुगाली कर रही है तो, आपका दाना दलिया खाकर जुगाली कर रही है तो, आपका चना चोकर खा करके पगुरा रही है तो, इसलिए गाय आपका भी कुछ चारा खाए, आपके घर की भी कुछ रोटी खाए, और आपका भी पाप चबाती रहे, जुगाली करके पचाती रहे, इसके लिए घर में गाय रखो, है ना?